तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्टंट सीखने और करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों जब भी आप स्टंट सीखने के बारे में सोच रहे हों तो सबसे पहले एक अच्छे ज़मीन की तलाश कर लें और अगर खरपतवार हो तो अच्छे से साफ कर लें। फिर उसके बाद फावड़े की मदद से उसकी खुदाई कर लें जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, और कुछ नुकीली सामान हो तो उसे निकाल कर दूर फेंक दें ताकि आप जब स्टंट कर रहे हो तो आपके हाथ पर या जब आप स्टंट करते वक्त ज़मीन पर गिरे तो आपके शरीर में ना चुभे। नहीं तो फ्रेंड आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको स्टंट बंद भी करना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। तो फ्रेंड आप जो भी स्टंट की प्रैक्टिस किए रहेंगे उसे भी आप भूल जाएंगे, फिर आपको एक नए शुरुआत की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड आप ऐसी गलती ना करें और फ्रेंड आप डेली प्रैक्टिस करते रहें और जो स्टंट नहीं आता है आपको उसे भी सीखते रहें। तो फ्रेंड आपको सारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसे कि फ्रेंड हम लोग पुराने वाले पिच को कुछ इस तरह खुदाई करते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ा सा बराबर करके फिर उसके बाद स्टंट का थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद प्रेस्टिक किया जाएगा। और बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में।